हमें जानना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा था आज के सीन में। सीन में हो रहा ये है कि अनमोल का जो टारगेट था कि उसे रजत जी को ठीक करना है, उससे पहले उन्हें पहले जैसे बनाना है, वो ऑलमोस्ट वो यू नो एम करने वाली है, वो सब कुछ ठीक करने वाली है। बट बुआ रजत अनमोल और दिव्यासा की एक फ़ोटो खींची थी जिसमें ये साबित हो सकता है कि मैं तेवर नहीं अनमोल हूँ, और अगर ये साबित होगा तो फिर दुनिया मुझे घर से बाहर निकाल देगी और फिर जितना भी मैंने कुछ प्लान किया वो सब बिगड़ सकता है। तो अभी वही हो रहा है कि स्पोर्ट्स डे से जब हम लोग वापस आए और रजत जी जब जीत वीत गए तो बुआ जी हमारी एक पिक्चर खींच रही हैं और वो मृदुला को दिखाने वाली होती हैं, लेकिन तब तक मैं अपना तूफानी दिमाग चलाती हूँ, मुगली की तरफ उठती हूँ, स्टंट वगैरह करती हूँ, बेड पर से यू नो कूद फान कर जाती हूँ और वापस मृदुला को चकमा देती हूँ और बुआ जी को गलत साबित करती हूँ और वापस अपने तेवर के रूप में आती हूँ और मृदुला को वापस खुद पर यकीन दिलवाती हूँ कि मैं तुम्हारे साइड हूँ और ना कि मैं बुआ जी की साइड हूँ और रजत जी के साइड। मैं सिर्फ ये पैसों के लिए करूँ, मैं रजत जी से प्यार नहीं करती। टोन जैसे कि आप हरियाणवी यूज़ करिए तो कितना मज़ा आ रहा है ये टोन यूज़ करने में। मुझे बड़ा मज़ा आता है। सी वन थिंग अबाउट मी इज़ अगर मेरे पास कोई भी नया गेटअप आता है या कोई भी नया रोल आता है या कुछ भी नया करने के लिए आता है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बचपन से ही मैं ऐसे ही हूँ, मैंने वो 3 years ओल्ड में तब से अपना ये एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है, तो ये बचपन से मेरे अंदर क्वालिटी है कि कुछ भी नया करने के लिए मिलता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर आपको एक रोल छोड़कर आपको अलग अलग रोल प्ले करने के लिए मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे बाकी सीरियल्स में क्या होता है, बाकी सारी हीरोइनें रोने लगती हैं, उनका एक ही ट्रैक चलते रहता है। अनमोल थोड़ी अतरंगी है, जैसा कि आप जब भी मेट में गीत को देखे थे या कभी खुशी कभी गम में अंजलि को देखे थे, इन सब का मिक्सचर है वो। तो अंजलि और गीत और बाकी सारे जितने भी चुलबुली और यू नो दमदार वाले कैरेक्टर हैं, इन सब का मिश्रण कैसा होगा वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो जब भी एक नया गेटअप आता है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ और मैं हमेशा मेहनत करती हूँ कि उस पर मैं खरी उतरूँ और आप लोग को एंटरटेन करूँ। और इस गेटअप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब तक मैं इस शो में आई गेस 10 से 11 गेटअप ले चुकी हूँ और सब में अलग अलग मैंने अपना टोन रखा है, अलग चाल ढाल रखा है, अलग मैंने बातचीत करने का भी उन्होंने भाव रखा है, सब कुछ अलग किया है। तो तेवर भी अनमोल के एकदम ऑपोजिट है, जैसे अनमोल ऐसी खड़ी रहती है, अनमोल भी तूफानी है बट अनमोल से थोड़ा हट के, क्योंकि अनमोल कैसे इनोसेंट है, वो ज़्यादा करती नहीं, और तेवर वहीं पर यू नो उसका तुरंत भाव चढ़ जाता है, वो तुरंत अपना दिमाग चलाने लगती है, थोड़ी नेगेटिव टाइप है। तो प्ले करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं अपने आप को खुद और यू नो मैं खुद जानती हूँ कि मैं अच्छा ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ, एंड आई ऑलवेज चैलेंज माई सेल्फ कि मैं अगर कभी भी मेरे को डायरेक्टर सर कहते हैं कि यू हैव टू डू इट और मैंने कभी किया नहीं है, सो आई नेवर से कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, आई ऑलवेज से ओके सर बस थोड़ा सा समय दीजिए, बस एक दो बार कोशिश करूँगी फिर मेरे से पक्का हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, मेहनत करती हूँ और बाकी आप लोगों को पता ही है। ओके जज जज फैंस को अपने अंदाज में एक मैसेज दे दीजिए। अनमोल के कि तेवर में? तेवर में, तेवर में बोल दो नमस्ते, हमारा नाम तेवर है और मैं गाँव से पली बड़ी, और मैं पली बड़ी एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत दबंग हूँ। मैं पहले बता दूँ कि अनमोल जो छोरी है ना वो बहुत ही वो टिल्ली डाली है, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारा तो एक ही है, मन ना पैसे से बहुत प्रेम, मन तो पैसे से बहुत प्रेम है भाई, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। थैंक यू।